I sum 1 अप्रैल 2023 हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सभी कार्यकर्ता लोग मिलके पीसफुल कैंडल मार्च हम लोग आयोजन किया है। तो हम लोग का राहुल गांधी जी का लीडरशिप को मजबूत करने के लिए, उनको साहस दिलाने के लिए, उनका संघर्ष में साथ देने के लिए हम लोगों ने आज पीसफुल कैंडल मार्च आयोजन किया है। जिस प्रकार से जो राहुल गांधी को जो एक्शन लिया गया, एक भाषण 2019 में कर्नाटक का चुनाव में राहुल गांधी जी ने एक इलेक्शन रैली में भाषण दिया था कि जो नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चुप्सी, विजय माल्या, अनेक लोगों ने देश का बैंक का पैसा लूट करके सब वो बाहर देश में भाग गया है। तो इस प्रकार से अगर देश का पैसा, आम जनता का पैसा को अगर भगाते रहेगा और चोरी करने के लिए मौका देगा तो सरकार उसका एक्शन नहीं ले रहा था। इसलिए जो मोदी जी का नाम लिया था उसको लेकर के एक बीजेपी का विधायक उस समय में जो सूरत गुजरात का, उन्होंने FIR फाइल किया और बहुत साल से हो पड़ा हुआ था, लेकिन एक महीना के अंदर वो केस को फिर जिंदा किया और जिंदा करके जो जज को बदला, जो नया जज बदला और उसी से एक महीना के अंदर में जजमेंट दिया, उसको दो साल का सजा, वो भी मौका ही नहीं दिया, उसको कहने के लिए मौका ही नहीं दिया। और जिस प्रकार से जो जजमेंट हुआ 24 घंटा के अंदर लोकसभा स्पीकर ने पार्लियामेंट से उसका डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर निकाल दिया। 24 घंटा में इस प्रकार से जो वेल प्लान, ये तो प्री प्लान करके एक लीडर को टारगेट किया गया, ये डेमोक्रेसी का खतरा है और हम सब उसको कंडम करते हैं। क्योंकि इस प्रकार से अगर जो ओपोजिशन लीडर्स को टारगेट करेगा, अगर देश में अगर ओपोजिशन नहीं होगा तो ये डेमोक्रेसी कहाँ बचेगा। देश में डेमोक्रेसी बचने के लिए ओपोजिशन होना जरूरी है, ओपोजिशन आवाज उठाना जरूरी है और ओपोजिशन पार्लियामेंट में बोलना जरूरी है। तो पार्लियामेंट में बोलने मौका नहीं देता है, जो बोलता है उसको माइक को स्विच ऑफ कर देते हैं, तो आजादी नहीं है। तो हमारा जो इतना मेहनत करके महात्मा गांधी जी, वो जवाहरलाल नेहरू, उनका साथी ने जो देश को आजाद दिलाया था, वो आजादी को आज खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है ये बीजेपी सरकार, इसका हम लोग निंदा करते हैं और उसका रक्षा के लिए हम सब मिलकर राहुल गांधी का साथ देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। और जब तक ये हमारा जो डेमोक्रेसी और जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो सेकुलरिज्म को जब जब अटैक होगा उसका हम लोग लड़ेंगे, आज तक लड़ेंगे। जो कनेक्शन इस प्रकार से है, राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनाव में भाषण दिया था 2019 को, और उस भाषण को लेकर के एक बीजेपी का विधायक है जो गुजरात से, वो उन्होंने FIR दर्ज किया है, केस फाइल किया गया था कि वो मोदी का सरनेम लिया बोल के केस फाइल किया, वो तांडा बस्ता में फंसा हुआ था, वो विड्रो भी कर चुका था हाईकोर्ट से, उसको फिर उन्होंने पिछला 2 महीना पहले उसको रिवाइव किया गया। जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में जो आदानी का बारे में, जो आदानी का जो गैर कानूनी से जो बिजनेस, सारा प्रॉपर्टी, देश का प्रॉपर्टी एक ही आदमी को दिया जा रहा था, उसका आवाज उठाया पार्लियामेंट में, उसी में बोलने नहीं दिया गया और उसका बदली में ये प्री प्लान करके उसमें कम समय में जजमेंट दिलाया गया और उसके 24 घंटा के अंदर में
पार्लियामेंट का सीट से लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर भी निकाला गया, वो तो प्री प्लान तो है ना इसमें, तो इसलिए तो भारत सरकार इसमें जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री स्पीकर वहां का जज सब मिला हुआ है, इसलिए इस प्रकार का ऑर्डर होगा। नहीं तो कॉमन आदमी होता या उन लोग का पार्टी का कोई आदमी होता इस प्रकार जजमेंट होना था क्या? ऐसा जजमेंट तो कहीं नहीं होगा। आप कहना ये चाहता है कि मतलब कोर्ट को मतलब गवर्नमेंट का अंदर विजिट कर रहा है, कोर्ट को क्या इन्फ्लुएंस किया गया? इन्फ्लुएंस जुडिशियरी को कमजोर कर रहा है, आप लोग तो मालूम है, मीडिया को तो कमजोर करके रखा हुआ है, मीडिया का आवाज बंद है, जो आवाज करता है उसको तो चुन चुन करके उसका सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा करके उसका सजा दिया जाता है। बहुत लोग अभी जेल में है, बहुत लोग रेड में है, बहुत लोग नोटिस में है, बहुत लोग डरा हुआ है, डर डर करके से लोग अभी जी रहा है। तो इसमें तो उन लोग का ये प्री प्लान है, इसलिए तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है उसको टारगेट करने के लिए, राहुल गांधी तो मंत्री नहीं है, बट मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो देश के लिए आवाज उठा रहा है, आम जनता के लिए, युवक के लिए, ये आपका किसान लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जो आवाज उठाने वाला को उसको कमजोर करने के लिए कोशिश किया गया है। अच्छा, हाउसिंग पार्लियामेंट का जो हाउसिंग कमेटी है राहुल गांधी को क्वार्टर को वैकेट करने के लिए किया, उसका ऊपर में आपका क्या बोलना है? वो भी साथ ही साथ सेम डे में ऑर्डर निकल दिया लोकसभा से कि ये राहुल गांधी का जो घर को भी खाली करना है। जिस नेता जिस परिवार ने ये देश को आजाद दिलाया और जिन्होंने देश को सारा संपत्ति को सौंप दिया, उसका अपना से घर नहीं है, वो सरकार घर में रहते हैं, उसका माँ भी और वो बेटा भी, उसी घर को सरकार का दिया हुआ घर को उन्होंने वैकेट करने के लिए आदेश कर दिया, एक महीना के अंदर में वैकेट करना है, अभी वो वैकेट करेंगे। तो एक लीडर इसी प्रकार जो प्रोटेक्टेड जो एक लीडर है वो कहाँ बैठेंगे? इसलिए सभी आम आदमी पूरा सारा देश का जो आम आदमी लोग ऑफर कर रहा है कि राहुल गांधी के लिए हमारा घर है, हर गांव में अभी ऑफर करके हमारा घर में जगह है। तो ऐसा नेता है तो ये तो टारगेट तो है ना, आप दो साल का सजा भी दिलाएगा, पार्लियामेंट सीट को भी खटाएगा, उसके बाद घर को भी वैकेट करेगा, इस प्रकार से अन्याय नहीं होता है क्या? ऐसे अगर आपको होता किसी और को होता तो आप केस किस प्रकार से आप सहेगा? तुकी साहब पहले एक एनसीपी का आपको भी पता होगा कि कोर्ट का ऊपर में विश्वास करके कोर्ट में गया, क्या राहुल गांधी भी या कांग्रेस पार्टी लोग कोर्ट में जाकर के उसका ऊपर में क्लेम करेगा क्या फिर से दोबारा से? कोर्ट में तो जाएंगे, ये तो कोई भी जो कानून होगा, कानून तो सबके लिए बराबर है, कोर्ट पे तो जाएंगे लेकिन कोर्ट को इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, वो हम लोग का कहना है।